इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो एक नाम से परिचित ना हो, और वो नाम है मोसाद। मोसाद जो कह लीजिए कि इसराइल की मजबूत रीढ़ है, मोसाद जिसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि दूसरे बस देखते रह जाए, मोसाद जिसे पूरी दुनिया कांपती है, मोसाद जब तय कर ले तो फिर नामुमकिन नाम की कोई चीज उसकी लिस्ट में नहीं होती। लेकिन आज मोसाद का जिक्र क्यों? दरअसल बीते कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटा है और जिस अंदाज में घटा है, वो सब इशारा बस एक ही तरफ करता है, और वो है मोसाद। मामले की कड़ी दर कड़ी को समझते जाते हैं, फिर आप तय करिएगा क्या है मामला। इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ इसराइल को परेशान करने में हिजबुल्ला ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमास चीफ हनिया मारा गया, हिजबुल्ला के भी टॉप कमांडर्स पर हमले जारी हैं, और ऐसे में ईरान जो मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देकर इसराइल के पीछे पड़ा है, वो मिडिल ईस्ट में अब शांति कायम होने देगा अभी तो ये नजर नहीं आता। उधर अगर हम थोड़ा ही पीछे चलें तो आपको याद होगा कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इसके बाद कई सवाल उठे थे, सवाल ये कि क्या यह हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। हालांकि यह कहा गया कि धुंध ज्यादा होने के कारण वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों सवार थे। लेकिन फिर सवाल यह भी है कि सुरक्षा में तैनात दो हेलीकॉप्टर्स अपने मुकाम तक पहुंच कैसे गए। हालांकि अभी तक इसे सिर्फ हादसा मानकर ही चला जा रहा है, लेकिन यह घटना ईरान के लिए बहुत बड़ा धक्का साबित हुई। मई में यह हादसा हुआ तो उसके दो महीने के भीतर ही जुलाई के आखिर में खबर आई हमास चीफ की मौत की। यह हमला भी तब हुआ जब हनिया ईरान की राजधानी तेहरान में था। अब इस हमले के बाद ईरान की सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में आ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि हनिया तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचा था, खास मेहमान था। इस हमले पर एक तरफ अमेरिका ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा तो दूसरी तरफ इसराइल ने भी बिल्कुल खामोशी साधे रखी है। लेकिन ईरान का मानना है कि हमले के पीछे इसराइल ही है। लेकिन सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि यह कैसे संभव हो गया कि ईरान की राजधानी, जहां देश का सबसे अहम समारोह चल रहा हो, वहां उस समारोह में शामिल होने के लिए जो खास मेहमान आए, उस पर मिसाइल से हमला कर दिया जाए और देश के खुफिया तंत्र को खबर तक नहीं लग पाए। लेकिन यह हुआ, और वो भी उस शख्स पर जो अमेरिका की वांटेड लिस्ट में था, इसराइल का तो कट्टर दुश्मन था, यानी कि हमास चीफ हनिया। कैसे ये सेंध लग गई, इस पर तो जांच अभी जारी है। लेकिन इसके बाद माना जा रहा है कि हालात मिडिल ईस्ट में और बिगड़ेंगे। इस हमले के पीछे रक्षा एक्सपर्ट इसराइल का मजबूत खुफिया तंत्र मानते हैं, जिसने उसने ईरान में जिसकी वजह से काफी गहरे तक उसे फैला रखा है। तो क्यों ना ये माना जाए कि इसराइल ने आखिरकार हमास से 7 अक्टूबर के नरसंहार का बदला ले लिया। 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हनिया को वहां मारा जो जगह उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। इसके पीछे वजह कई हैं, और अगर इसके तार जोड़ने शुरू हो जाएं तो परतें कई खुल सकती हैं। क्या इस हमले के पीछे मोसाद काम कर रही है? अगर हाँ तो क्या हानिया की हत्या पर ही मोसाद ने काम किया, या फिर तार ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत तक भी जुड़ सकते हैं? 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ हैती विद्रोहियों ने उसे और दुनिया के दूसरे देशों को परेशान करने का काम किया, तो वहीं मुख्य लड़ाई गाजा में हमास से जारी है। उधर लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ने भी हाल ही में इसराइल के गोलान हाइट्स पर जो हमला बोला था, उसमें 12 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इसके बाद इसराइल ने बेरूत पर भी हिजबुल्ला को टारगेट कर हमला बोला और ये दावा किया कि हिजबुल्ला का कमांडर ढेर कर दिया गया है। और बस इसके अगले ही दिन हानिया की भी हत्या कर दी गई। हानिया की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। 30 जुलाई को हानिया तेहरान में था। इस दौरान हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनेई से मिला था। दोनों की इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था, और माना यह जा रहा है कि इसी वीडियो से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का सुराग मिला। हानिया के अलावा इसराइल का दूसरा निशाना बड़ा बना हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फौद शुगर, उसे इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया। उधर हाल ही में होदे दाह में हैतियों को इसराइल ने बड़ा झटका दिया।
यानी कि अगर सीक्वेंस को जोड़ा जाए तो सवालों के जवाब का सिरा एक ही तरफ इशारा करता है और वो है मोसाद, यानी कि इजराइल की वो खुफिया एजेंसी जो अपने दुश्मन को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो जहन्नुम में जाकर क्यों ना छिप जाए वो बदला जरूर लेती है। मोसाद के खुफिया कारनामों की बात करते हैं तो इसकी फहरिस्त काफी लंबी हो जाती है, लेकिन इसमें सबसे पहले नंबर पर जिक्र आता है ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड का। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में हुए ओलंपिक के दौरान 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की गई थी जिसका आरोप फिलिस्तीनी आतंकियों पर था। इस ऑपरेशन का नाम ब्लैक सेप्टेम्बर रखा गया था। ये लोग PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। हालांकि हत्या करने वाले आतंकियों को तो तुरंत मार गिराया गया था, लेकिन तब भी इजराइल खामोश नहीं बैठा। मोसाद के एजेंटों ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से जुड़े लोगों को दुनिया के कई देशों में घूम घूम कर मारा। इसके लिए वो कई सालों तक अपने परिवार से दूर भी रहे। इसके अलावा ऑपरेशन डायमंड भी खूब चर्चा में रहता है, जिसमें सोवियत संघ ने 60 के दशक में अपने लड़ाकू विमान MiG-19 को अपग्रेड कर MiG-21 बनाया। उसने ये जहाज मिस्र, लेबनान और इराक को भी बेचे। इसकी बदौलत ये देश इसराइल को धमकाते थे। ये देखकर इसराइल ने MiG-21 को चुराने का फैसला किया, जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन डायमंड। और दो बार नाकाम कोशिश के बाद तीसरी बार में आखिरकार फाइटर जेट को इसराइल की धरती पर उतार दिया गया। हाल ही के खुफिया कारनामे की बात अगर होती है तो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जाते हैं कि ईरान में ही हत्या का जिक्र भी होता है जो नवंबर 2020 में हुई। उस वक्त ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री महमूद अलावी ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने हत्याकांड को अंजाम दिया वो ईरान की सेना से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस हमले के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार बताया गया था, जो इस तरह के हमले करने में सिद्धहस्त है। वैसे आपको क्या लगता है, अभी तक इजरायल की तरफ से जो हमला हमास के चीफ पर हुआ है उस पर खामोशी अख्तियार कर रखी है? इसराइल इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो क्या इसके पीछे मोसाद का हाथ है, या जो हालात बन रहे हैं एक के बाद एक सब कुछ मोसाद का किया हुआ है? आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।